ये वीडियो इंदौर का है जिसमें महिला कैदी डांस कर रही है। वहीं जेलर महिला वार्ड में खड़े होकर उन्हें डांस करते हुए देखते दिखाई दे रहे हैं। जेल का फिर एक वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल ये वीडियो होली का बताया जा रहा है। सवाल उठता है कि जेल में जब मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं है तो महिला वार्ड का ये वीडियो कैसे बना और वायरल कैसे हुआ। सेंट्रल जेल अधीक्षक की माने तो जेल के कर्मचारियों का आपस का विवाद है, इसीलिए वो वीडियो वायरल कर रहे हैं। अभी इस पूरे मामले की जांच हो रही है। हाँ, अभी हनी ट्रैप महिला के साथ केके कुल श्रेष्ठ का महिला वार्ड में जो क्लिप जारी हुई थी, वीडियो तो नहीं था, फोटोज थी वो जारी हुई थी, उस संबंध में मुझे जानकारी है। लेकिन अभी हाल ही में सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप ग्रुप में एक होली के समय का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मैंने देखा है उसमें कि केके कुल श्रेष्ठ दिखाई दे रहे हैं और महिला वार्ड में कुछ महिलाएँ बंदी हैं जो डांस कर रही हैं, वो मैंने वीडियो देखा है। और ये सारी चीज़ें जो जिस समय जिस तरह से वायरल की जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपसी जो वैमनस्यता है, विवाद है, उसकी वजह से वहाँ की या तो वहाँ के अधिकारी या कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहा है। और ये वास्तव में मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा कि ये महिला वार्ड में इस तरह के मोबाइल लेकर जाना, फ़ोटो लेना, महिला वार्ड में वीडियो रिकॉर्डिंग करना, ये बहुत गंभीर आपत्तिजनक है। और जो भी व्यक्ति कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है। इससे ना केवल जिला जेल की बल्कि जेल विभाग की छवि भी धूमिल हो रही है। और जो अधिकारी इन या कर्मचारी इस मामले में जुड़े हैं और मेरे द्वारा उसमें जांच होगी, और जांच के दौरान यदि कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है और जांच के दौरान उसकी पुष्टि होती है कि अमुक व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया है, तो निश्चित ही ये जांच के परिणाम पश्चात उसे गंभीर रूप से पनिश भी किया जाएगा और दंडित किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में हनी ट्रैप की आरोपी महिला श्वेता विजय जैन का जेलर के साथ एक फोटो वायरल हुआ, जिस पर भोपाल तक हड़कंप मच गया था। जेल DIG संजय पांडे को भोपाल से इंदौर आकर पूरे मामले की जांच करनी पड़ी थी। अभी उस जांच की रिपोर्ट तक नहीं आई है और ये नया मामला सामने आ गया है। अब देखना ये होगा कि जेलर कुलश्रेष्ठ क्या अपनी कुर्सी बचा पाते हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।